हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जो कि टोटल टॉपिक इसमें जो कि चैप्टर इसमें कवर किया है मैंने। और ये सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक जो कि आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में यदि यहाँ से बात करें, सबसे पहले देखें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। भूगर्भ में पाए जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं हवा, वहाँ पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है, अब तक जो कि नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित परमाणुओं के एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना है न के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को तीन भागों में बांटा गया है। भूपरपटी, जिसे क्रस्ट कहते हैं, आवरण, जिसे मेंटल कहते हैं, और केंद्रीय भाग, जिसे कोर कहते हैं। तो ये जो है कि तीन इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, जिसके बारे में जो कि यहाँ पर हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को जो है कि अभी आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे पहले क्रस्ट का यदि बात कर लें, पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपरपटी यानी क्रस्ट कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, ये 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है अंदर तक। यह मुख्यतः बेसाल चट्टानों से बना है, है ना। ये बेसाल चट्टानों से बना है। इसके दो भाग हैं, एक है आपका सियाल, है ना। सियाल का मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम हो गया, सिलिका और एल्यूमिनियम। दूसरा सीमा, सीमा का मतलब होगा क्या, सिलिका और मैग्नीशियम। सियाल क्षेत्र में सिलिकन एवं एल्यूमिना तथा सीमा क्षेत्र में सिलिकन एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है, है ना। क्रस्ट भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है, है ना। तो जितना पृथ्वी का जो टोटल मतलब जो कि आयतन है उसका 0.5% भाग जो कि ये घेर के रखा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। भूपटल की रचना सामग्री सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.6%, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन 27.72%, तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम 8.13% है, है ना। मेंटल दो, अब मेंटल का यहाँ से बात करें तो अब एक बात मैं यहाँ से बता दूँ, ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन के अलावा एल्यूमिनियम जो कि ये सबसे ऊपरी सतह पर जो कि ये ज़्यादातर जो है कि पाया जाता है इनके मुकाबले में, है ना। नेक्स्ट बात करें मेंटल का, 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह के चट्टानों से बना है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। इसका औसत घनत्व 3.5 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का है, यानी कुल आयतन का 83% भाग घिरे हुए हैं। तो मेंटल जो है कि 83% भाग को जो है कि घिरा हुआ है। कोनराड असंबद्धता है ना, कोनराड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। तो ये जो कि एग्जाम में पूछा जाता है ना, कोनराड असंबद्धता किसे कहते हैं, तो इसे कहा ऊपरी क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब जो ऊपर वाला लेवल है, और निचले क्रस्ट के बीच के सीमा को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। नेक्स्ट बात करें मोहसिविक है ना, मोहविशिक है ना, डिसकंटिन्यूटी। मोहविशिक डिसकंटिन्यूटी ये क्या है, क्रस्ट एवं मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को, है ना, क्रस्ट एवं मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को मोहसिविक डिसकंटिन्यू कहते हैं। तो ये भी जो है कि एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसके बारे में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो कि पूछा जा चुका है कि मोहसिविक डिसकंटिन्यूटी क्या है। नेक्स्ट बात करें आप रेप्टी असंबद्धता। रेप्टी असंबद्धता क्या है ना, ऊपरी मेंटल एवं निचले के बीच सीमा क्षेत्र को, है ना, ऊपरी मेंटल और निचले के बीच के सीमा क्षेत्र को रेप्टी असंबद्धता कहते हैं। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। कोनराड का बात करें तो ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कोनराड असंबद्धता कहते हैं, यह आपका क्रस्ट का बात हो गया। अब मोहसिविक डिसकंटिन्यूटी ये मेंटल का बात कर रहा है ना, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। उसके बाद रेप्टी असंबद्धता, अच्छा अच्छा ये है ना, क्रस्ट एवं मेंटल के बीच का सीमा क्षेत्र, अच्छा सॉरी यहाँ पे क्रस्ट एवं मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को मोहसिविक कहा जाता है। उसके बाद ऊपरी मेंटल एवं निचले है ना, निचले में निचले के बीच सीमा क्षेत्र को रेप्टी असंबद्धता कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अब यहाँ से बात करें, अब देखें लेहमान गुटेनबर्ग विशार्ट असंबद्धता क्या है। निचले मेंटल तथा ऊपरी क्रोट के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग विशार्ट असंबद्धता कहते हैं,
है ना, गुटेनबर्ग विचार असंबद्धता निचले मेंटल तथा ऊपरी क्रोड के। नेक्स्ट बात करें लेहमान असंबद्धता, बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को लेहमान असंबद्धता कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो कि एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं अब तक। नेक्स्ट बात करें केंद्रीय भाग जिसे कोर कहते हैं, है ना, पृथ्वी के केंद्रीय भाग कोर निकेल व फेरस से बना हुआ है, निकेल व फेरस से बना हुआ है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग समूह द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घिरे हुए है ना, ये 16% भाग जो कि घिरा हुआ है। नेक्स्ट बात करें पृथ्वी का औसत घनत्व का बात करें 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एवं औसत त्रिज्या 6370 किलोमीटर, जिसे लगभग हम लोग 6400 किलोमीटर जो कि न्यूमेरिकली मान के चलते हैं। नेक्स्ट बात करें पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर का गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, यानी पृथ्वी के सतह के यदि हम लोग नीचे जाएंगे तो प्रत्येक 32 मीटर पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का बढ़ोतरी होते जाता है। नेक्स्ट अब यहाँ से बात करें पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है, यानी ये समुद्र तल से 400 मीटर जो कि नीचा है। नेक्स्ट बात करें सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है, तो ये भी जो कि आपका पूछा जा चुका है। और आकाश में स्वतंत्र रूप में लटकी हुई है, सर आइजक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है, तो ये कथन जो कि सबसे पहले न्यूटन ने दिया था कि पृथ्वी नारंगी के समान है। नेक्स्ट बात करें जेम्स जिन ने ये नारंगी के बजाय नाशपाती का समान बतलाया था ये पृथ्वी को, है ना, तो ये जेम्स जिन ने बताया था। अब पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। तो पृथ्वी का जो बाह्य सतह है ना, पृथ्वी का बाह्य सतह जैसे इसमें आपका आता है स्थान मंडल, लिथोस्फेयर, जलमंडल, हाइड्रोस्फेयर, वायुमंडल, एटमोस्फेयर एंड जैव मंडल, बायोस्फेयर। तो ये 4 मंडल जो कि पृथ्वी के बाह्य सतह को में जो है किसे बांटा गया है। आई होप ये पूरा कंटेंट जो है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये पृथ्वी का बाह्य सतह इसके बारे में जो है कि मैंने फिर से एक अलग वीडियो बनाया है, यदि आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर विजिट करके जो है कि ये टॉपिक जो है कि आप लोग देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक कर दीजिएगा।